एक संत एक जगह प्रवचन कर रहे थे। वे बोल रहे थे कि इस संसार में कुछ भी गलत नहीं, जो कुछ भी है वो सही है। बाद में एक आदमी संत के पास गया और कहता है कि गुरुजी, आप कह रहे थे कुछ भी गलत नहीं है, इस धरती पर विनाश के लिए बहुत से औजार बन गए हैं, बहुत से हथियार बन गए हैं, क्या वो गलत नहीं, या क्या क्रोध गलत नहीं है, क्या अहंकार गलत नहीं है, क्या काम गलत नहीं है, क्या लोभ गलत नहीं है, ऐसे बहुत से चीजों का नाम उसने लिया और संत से कहा कि आप बताएं क्या ये गलत नहीं है। संत ने कहा, ध्यान से सुनना, जो बातें संत ने कही, उन्होंने कहा वस्तु कभी गलत नहीं होते, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब सही है, जितने भी शब्द हैं वो सब सही है, जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब सही है। सही और गलत की परिभाषा से मतलब इतना है कि जब हम किसी वस्तु का सदुपयोग करते हैं वो वस्तु सही हो जाती है, जब किसी का दुरुपयोग करते हैं वो गलत हो जाती है। जैसे एक चाकू है, अगर वो चाकू किसी गृहिणी के हाथ में है, घर में किसी महिला के हाथ में है, वो सब्जी अमनिया कर रही है, वो चाकू सही है। वही चाकू डॉक्टर के हाथ में है, ऑपरेशन कर रहा है, वो चाकू सही है, लेकिन जब वही चाकू किसी जेब कतरे के हाथ में है वो चाकू गलत हो जाता है। लेकिन गलत वो चाकू नहीं है, गलत उसका प्रयोग है। अब तक वो जिनके जिनके हाथों में था उसका सदुपयोग हो रहा था, डॉक्टर उससे ऑपरेशन कर रहा था, माताएं उससे सब्जी सुधार रही थी, वो चाकू बिल्कुल सही है, चाकू में कोई खराबी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो किसी जेब कतरे के हाथ में गया, चाकू गलत हो गया। बंदूक जब किसी चोर उचक्के लूचे लफंगे के हाथ में है तो वो बंदूक खराब है, लेकिन वही बंदूक सेना के पास है, पुलिस के पास है, वही बंदूक सही हो जाती है। इसका मतलब बंदूक खराब नहीं है, इसका मतलब बंदूक में समस्या नहीं है, समस्या है प्रयोग में। क्योंकि सेना के पास जो बंदूक है वो देश की समाज की सुरक्षा के लिए है, लेकिन किसी चोर उचक्के के पास है, किसी डाकू के पास है, वो समाज के विनाश के लिए है, इंसानियत के विनाश के लिए। जैसे एक शब्द है हत्या, हिंसा, इसको संत ने कहा था कि हत्या जैसे शब्द भी गलत नहीं है। उस आदमी ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे संतों ने तो कहा है कि हत्या पाप है, हिंसा पाप है, और आप कहते हैं कि हिंसा और हत्या भी सही है। संत ने कहा कि जब किसी अनजान या किसी मूक प्राणी की हत्या किया जाए, मारा जाए, वो हत्या पाप है, लेकिन बॉर्डर पर जब हमारी सेना आतंकवादी की हत्या करती है वो पुण्य हो जाता है, वो पाप नहीं। अगर वो हत्या पाप होती तो फिर ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाता, क्योंकि रोज सैकड़ों लोग को मारा जाता है, सैकड़ों आतंकवादी मरते हैं। कहा राष्ट्र की सुरक्षा वहां सबसे बड़ा धर्म है, वो हत्या फिर पुण्य है। इसी तरह से क्रोध, आपस में क्रोध करना, आपस में बैर करना, ये पाप है, ये गलत है, लेकिन वही बॉर्डर पर दुश्मन जब हमारे देश की सीमा के साथ छेड़छाड़ करे, सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करे, वहां वो गुस्सा करना फिर पाप नहीं है। तो जो शब्द हैं उसके प्रयोग हम कैसे करते हैं, उन शब्दों का उपयोग हम कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है।
हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी से आप यात्रा करके लोगों को जीवन बचा सकते हैं, कहीं जा जा करके सेवा कर सकते हैं, अपना घर का काम कर सकते हैं, लेकिन उसी गाड़ी से कितने लोगों को लोग रात में जाके मार के भाग भी जाता है। इसी मोबाइल से किसी का जीवन बचाया जाता है, इसी मोबाइल से झूठ बोल करके किसी के साथ धोखा किया जाता है। इसी माइक से हम प्रवचन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुंदर वचन बोलते हैं, इसी माइक से ऑर्केस्ट्रा का भी प्रोग्राम होता है। ये माइक तो गलत नहीं है ना, ये माइक तो खराब नहीं है कि नहीं ऑर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम माइक कोई फेंक दो। ये माइक ऑर्केस्ट्रा नहीं करता है, ये माइक गाना नहीं गाता है, इसके पीछे खड़ा हुआ आदमी गलत करता है। अगर हम यहाँ भजन गा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो भी माइक चुपचाप शांत है, ये सिर्फ इतना ही करता है कि हम जो बोलते हैं उसको दूर तक पहुंचा देता है। रुपया गलत नहीं, उसी रुपया से आप दूध खरीद लें, उसी रुपया से आप शराब खरीद लें, रुपया कभी नहीं कहेगा कि मुझसे तुम शराब काहे खरीद। आप उसी रुपया से किसी का जीवन बचा दें, उसी से किसी की हत्या करवा दें, वो रुपया नहीं कहेगा कि हमसे काहे पाप करवाते। वस्तुएं कभी गलत नहीं होती, वस्तुएं कभी खराब नहीं होती, आदमी की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो किसी भी चीज का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। आदमी किसी चीज का उपयोग कैसे करता है ये महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है।